गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा आज सुबह मंडे मॉर्निंग सभा में हाजिर है आपके सामने दोस्तों राकेश मिश्रा। दोस्तों आज का टॉपिक, जैसा कि हमेशा हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, हर मंडे का एक टॉपिक होता है। सो दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज योर व्हाई। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज योर व्हाई। तो गया गूगल में और देखा कि इस व्हाई को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जब गया और उसमें टाइप किया कि व्हाई मींस इन हिंदी, तो आंसर कुछ ऐसा आया और आंसर था क्यों कर। सो वाई की हिंदी गूगल ने बताई क्यों कर। तो आज का टॉपिक है कि आपका क्यों कर क्या है, कि कोई चीज आप करते हैं तो क्यों करते हैं। या सो दोस्तों, सो आज का टॉपिक है व्हाट इज योर व्हाई। सो हिंदी में इसका मीनिंग मैंने देखा गूगल में, तो उसमें पता लगा क्यों कर। सो व्हाट इज योर व्हाई, दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। आप कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी में, आप नौकरी करते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर आप व्यवसाय चूज करते हैं, कभी कोई सोशल सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, या अपने देश के लिए करते हैं, या लोगों के लिए करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज योर व्हाई। तो आपकी व्हाई क्या है, क्योंकि व्हाई आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपको अपने मकसद में कामयाब होने में आसानी होगी। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ वाई को एक्सप्लेन करने के लिए। ज़्यादातर लोग होंगे और हिंदुस्तान से हैं या बहुत और जगह पे भी लोग हैं, तो कुछ नाम इनमें मैं लूँगा। अपने क्रिकेटर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लूँगा और उनकी वाई के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। पता नहीं दोस्तों आपको मालूम है कि नहीं कि हमारे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब से हैं, तो क्या हुआ इनकी उम्र कुछ रही होगी 14-15 साल की, और क्रिकेट का बहुत शौक था और इनके पापा जी को भी बहुत शौक था, इनको बच्चे को प्राउड होता था कि नवजोत जी अपना क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाते थे। लेकिन इनका कुछ सुबह सुबह उठना होता था तो ये क्या करते थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, कि अपने नौकरों कुछ पैसा रुपए देके क्या करते थे कि सोते रहते थे पीछे रूम में, और फिर सुबह अपना उठ के पीछे से जाके नौकरों कुछ पैसे दे करके और मुंह में पानी वानी मार के आ जाते थे कि हाँ हम प्रैक्टिस करके आ गए अपने को गीला करके। या तो एक तरीके से ये थोड़ी सी झूठ बोलते थे। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जब क्रिकेट खेलने लगे तो क्या हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू कोई गेम बेंगलोर में था या कहीं पे था, तो उस पर बहुत बुरी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू उसमें मतलब असफल हुए उस गेम में। तो क्या हुआ जब लौट के आए तो किसी जर्नलिस्ट ने न्यूज़पेपर में बहुत ही ख़राब आर्टिकल लिखा नवजोत सिंह के सिद्धू के बारे में। तो जब घर में आए तो देखे कि इनके पिताजी वो अखबार पढ़ रहे थे और अपने, लेकिन नवजोत सिंह को मालूम चल गया कि शायद उनके पिताजी थोड़ा सा आंसू में, मतलब आंखों में आंसू आ गए उनके पिताजी के, और ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं देख लिया और उन्होंने, उनके पिताजी ने उस अखबार को छिपा दिया और ये वो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सब कुछ उनको मालूम था। और जब अखबार देखा और उन्होंने देखा, अरे मेरे पिताजी की आंखों में आंसू, हमें लगता पिताजी थे या ग्रैंडफादर, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन, लेकिन शायद फादर ही थे। उस दिन से नवजोत सिंह सिद्धू ही बिकेम अनस्टॉपेबल। फिर बताते हैं कि 16-16 घंटे रियाज क्रिकेट का हर दिन, कब जवानी आई और कब चली गई नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, वो जो टीनेजर की एज होती है बच्चों की मौज मस्ती की, वो सब भुला के लग गए, एक जुनून आ गया क्रिकेट का, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को उनके पापा जी की उन आंख से निकले हुए आंसुओं ने वाई दे दी थी कि इसको तो मुझे इतिहास बदल के रखना है, जिसने भी ये न्यूज़पेपर में लिखा और हमारे पापा की आंखों में आंसू लाए, अब इसका तो बदला लेना है। और दोस्तों बहुत लंबा इसमें नहीं खींचूंगा, और फिर कुछ सालों के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बन गए। और उस वो शारजा में कोई गेम था, बहुत बढ़िया सिद्धू ने खेला था, और लौट के जब आप शायद प्लेन में थे तो कोई उनके साथ रवि शास्त्री थे आई थिंक, उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाया कि देख तेरे बारे में क्या लिखा गया है, और उसी जर्नलिस्ट ने जिसने कुछ सालों पहले
ऐसा खराब लिखा था उसी ने बहुत बढ़िया आर्टिकल, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू का दोस्तों वाई था। तो अगर आपका वाई इतना जबरदस्त है और इतना स्ट्रांग है तो उसके बाद छोटी मोटी चीजें, कभी आपकी तबीयत खराब होगी, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी समय की प्रॉब्लम, कभी बहुत सारे रोड़े आएंगे, बहुत बीमारियां होंगी, डेथ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आसपास होंगी, बहुत सारी परेशानी आएंगी, लेकिन दोस्तों अगर आपका वाई इतना स्ट्रांग है, इसका वाई का रियली कोई विशाल मकसद है अपनी जिंदगी से बढ़कर, तो लोग दोस्तों वो छोटी मोटी परेशानियां कभी आपके आड़े नहीं आएंगी। एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँगा गांधी जी का। सो महात्मा गांधी जी को हम सभी को मालूम है कि ट्रेन से किस तरीके से उनको नीचे उतारा गया था, और वो भी मालूम हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी वाई थी, लेकिन एक वो भी वाई हो सकती है, या देश में हिंदुस्तान में इतना बड़ा उस समय सब कुछ चल रहा था, इतनी परेशानियां लोग उठा रहे थे, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक उनका वाई था। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा अपने तेंदुलकर साहब का, कि हमारे सचिन तेंदुलकर, एक वीडियो देख रहा था तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू जी बोल रहे थे तेंदुलकर के बारे में कि 1987 में कोई टेस्ट मैच था और उस टेस्ट मैच में नवजोत सिंह सिद्धू और तेंदुलकर दोनों एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, पिच पे थे दोनों, और वकार यूनुस तूफानी गेंदबाज, वकार यूनुस इतनी स्पीड से बॉल फेंकने वाला वो बॉलर, उसने बॉल की कुछ बॉलों के बाद और वो बॉल सीधे तेंदुलकर के नाक पे लगी और तेंदुलकर स्टार्टेड ब्लीडिंग profusely, he started bleeding. उसके बाद डॉक्टर आए, उसको वहीं पे लिटाए और रुई वगैरह जो अपना लगाते हैं, अपना कान नाक को आग में लगाए, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सोचा अरे भाई इसका तो काम तमाम हो गया, अब तो चलिए कोई दूसरा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने थोड़ा सा वॉक कर ही रहे थे तो पीछे से एक आवाज आती है, आई एम बैक। वो तेंदुलकर 15-16 साल की उम्र होगी और वो तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर की वो वाई थी, क्रिकेट ही उसकी पूजा थी, क्रिकेट ही उसका मंदिर था, क्रिकेट ही उसकी वाई थी, और ये है, इसको बोलते हैं वाई। तो दोस्तों इस तरह की अगर वाई आपके पास है तो कोई भी मुश्किल इस ज़िंदगी में आपका बाल बांका नहीं कर सकती और आप हमेशा मकसद में कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज़ योर वाई। नवजोत सिंह सिद्धू को वाई उनके पापा के आंसू थे, गांधी जी की वाई हो सकता है उनको बेइज्जत करके ट्रेन से निकाला जाना था, और तेंदुलकर की वाई हो सकती है कि उनको अपने भाई को अपने पापा को दिया हुआ वचन, या उनकी वाई कि अपने देश के लिए कुछ करके जाना है, ये उनकी वाई थी अपने से बढ़ के। दोस्तों हमेशा याद रखो, अभी आगे चल के थोड़ा सा और इस पर हम बात करेंगे, तो ये दोस्तों वाई होता है और हमने कुछ इस पे एग्जांपल लिए। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी मैं अपनी स्पीच एंड करता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग इज नॉट डन येट एंड वंस यू स्टॉप ब्रीदिंग हु केयर्स लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अगर आपकी जबरदस्त वाई है और जब तक आपकी सांस चलती रहेगी आपकी वो वाई आपका पीछा करती रहेगी और वही वाई आपका मकसद होगा, और उसके बाद जिंदगी में केवल बस एक जुनून रहेगा। और देखते हैं नॉर्थ अमेरिका या बहुत जगहों पे डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, डिप्रेशन क्या हो जाता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहता। आज भी मुझे याद है वो हमारे गुरुदत्त साहब की कोई पिक्चर थी, गाना कुछ ऐसा था, हम सभी को याद होगा कि क्या है कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए भी क्या, तो वही है, लेकिन उसके बाद भी खालीपन। सो दोस्तों अगर आपकी वाई है तो कभी ज़िंदगी में खालीपन, कभी डिप्रेशन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, हमारे ड्रीम होते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, इस कोई हमारा क्लियर वाई नहीं होता है और अपनी डिफॉल्ट लाइफ की जीने में, डिफॉल्ट लाइफ हमने कई बार बताई है कि हम पैदा हुए चलना सीखे, बड़े हुए स्कूल गए, कॉलेज गए, शादी हुई, नौकरी लगी, हम बड़े हुए, हमारे फिर बच्चे हुए, उन बच्चों के बच्चे हुए, हम दादा बने और आए दुनिया से और चले गए, ये डिफॉल्ट लाइफ होती है, कोई मकसद नहीं था, आए और चले गए, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन टू इट, ठीक है आप आए और चले गए, लेकिन अगर दुनिया में सोचे सभी लोग इस तरीके से सोचते तो आज हम जिन कारों पे चलते हैं, जिन प्लेन में चलते हैं, जो दवाइयां हमारे लिए काम आती है, जो ऐशो आराम की चीज़ें हमारे पास हैं, शायद ये किसी का वाई था जिसकी वजह से हम आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे हैं। आज देखिए दुनिया में कि
लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बढ़ गई है, क्योंकि किसी की वाई थी जिसने दवाओं का आविष्कार किया या किसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, उसकी वजह से आज हम उसकी ज़िंदगी को अच्छी और सुकून की तरह से जी रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है जब हमारे सपने होते हैं, हम उन सपनों को जब नहीं कर पाते हैं, तो किसी ने कहा है कि द सक्सेस, यू नो द पर्पज़ ऑफ सक्सेसफुल लाइफ इज रिग्रेट फ्री डाइंग, कि हम अगर रिग्रेट फ्री होके मर सकें या इस दुनिया से जा सकें, वो सबसे सक्सेस होती है लाइफ की। दोस्तों क्या होता है कि हमारे लेश बाउन साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि लिव योर ड्रीम, अदरवाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट एट द फैग एंड ऑफ योर लाइफ यू बिकम 90 ईयर ओल्ड, 100 ईयर ओल्ड, 110 ईयर ओल्ड, एंड यू आर लाइंग ऑन योर डेथ बेड एंड ऑल योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम एंड आस्क यू, and they are going to really ask you, and they are going to say that, hey, you could have given us a life, but now we have to die with you. तो दोस्तों ये हमारे ड्रीम हमसे पूछेंगे हमारे उन आखिरी दिनों में कि तुम हमें ज़िंदगी दे सकते थे, अब हम तुम्हारे सपने थे लेकिन तुम्हारे साथ अब हमें भी दफन होना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर उन सपनों को आप जी गए तो वही सपने आपके उन दिनों में आके बोलेंगे और आपको बोलेंगे, कोई नहीं बंदे तू जा इस दुनिया से, लेकिन मैं तेरे को ज़िंदा रखूँगा, तुम्हारे सपनों के रूप में मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। तो दोस्तों ये होती है सपनों की पावर, और इसलिए वो सपने तभी आप जी पाते हैं जब आपका वाई बहुत ही क्लियर होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज योर वाई, तो कुछ नाम यहां पे लेना चाहूंगा यहां पे इसके पहले। सो बाली बेन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। देव कपिल जी, थैंक यू वेरी मच। अमित, थैंक यू वेरी मच। ब्रिजेश, नीता, संदीप आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। अनिल उपाध्याय जी, थैंक यू। लानी, थैंक यू। विक्रम, थैंक यू। मुकुल देसाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ग्लेन, थैंक्स वेरी मच। विशाल भाई, थैंक यू। एंड रजनी आर्या, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों ये था हुआई को लेकर के। चलिए आगे कुछ और थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि और क्या हो है इस हुआई को लेकर के। सो कभी कभी क्या है कि ज़िंदगी की आपाधापी में हमें वक्त ही नहीं मिलता, तो दोस्तों कभी थोड़ा सा टाइम लें, 2 घंटे 4 घंटे पेन लें और पैड लें और रिफ्लेक्ट करें अपने आप को। कितनी भी उम्र है आपकी, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है, कभी कोई लेट नहीं होता, और लिखें कि कहाँ से आप आ रहे हो और कहाँ आप जा रहे हो, दुनिया में क्या किया है और क्या करने का इरादा है, और लिखें अपनी वाई को कि क्या काम, क्या मजा आएगा इस चीनों में जब आप 120 साल के होंगे इस दुनिया में, या 100 साल के हो दुनिया में, तो क्या करके आप जाएंगे कि आपको खुशी होगी, कोई रिग्रेट नहीं होगी। तो उसको लिखें कि आपका वाई क्या है, अपने आसपास देखें और अपने वाई को लिखें। जब आपका वाई, जैसा मैंने बताया कि उसके गूगल में गया कि वाई की हिंदी क्या है, तो उसका हिंदी था क्यों कर, तो जब आपका वाई, आपका क्यों कर मालूम हो जाएगा, उसको लिखें, उसके बाद उसको जीने की कोशिश करें। बस इतना ध्यान में रखें, जब भी आप अपना वाई लिखें, वाई में अगर केवल आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही सीमित रहेंगे अपने वाई में, तो बहुत बड़ा मज़ा लाइफ का नहीं आएगा। वो आपको लार्जर देन लाइफ आपकी वाई होनी चाहिए, जो आपके देश के लिए हो सकती है, देश से बाहर के लिए हो सकती है। अभी मैं अपने वाई पे भी आता हूँ धीरे धीरे, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी वाई लिखें। अगर हो सके तो एक हफ्ते की वेकेशन ले लें, जिस तरीके से मैंने कभी किया था क्यूबा जाकर, तो अपनी वाई पता करने के लिए कि पर्पस क्या है आपको, क्या चीज़ करनी है आपको इस दुनिया में। अदरवाइज दोस्तों ये 60 70 80 90 100 साल का समय इतना कम होता है कि आपको मालूम नहीं चलता, और अचानक आप 90 साल के हो गए। तो बैठें थोड़ा सा ज़िंदगी की भाग दौड़ से वक्त निकाल के और अपनी आप वाई लिखें। दोस्तों चलिए मैं थोड़ी अपनी वाई पे आता हूँ। क्या आप लोग बोल रहे होंगे कि अरे राकेश इतना आसान थोड़ी ना होता है अपनी वाई को पता करना, आपकी वाई क्या थी? ठीक है, सिद्धू की मैंने बात की, तेंदुलकर की बात की, महात्मा गांधी की बात की, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और ठीक है मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, अपनी वाई पे आता हूँ। दोस्तों मैं अपने गाँव में, हम 6 भाई बहन हैं, माँ हैं, बाप हैं, और
उन दिनों की बात करता हूँ जब मैं बहुत सा छोटा था, हमें लगता है कि 14-15 साल की उम्र थी दोस्तों। जो वो कड़ाके की ठंडी पड़ती थी दिसंबर में, तो हमारे यूपी में हम क्या ठंडी में क्या होता है कि आप गद्दे होते हैं, नीचे ऊपर रजाई ओढ़ के आप सोते हैं, लेकिन इतनी अमीरी नहीं थी कि हमें गद्दे नसीब होते दोस्तों। हम अपने घर में सभी लोग, वो एक पायरा होता है, पुआल होता है, उसको हम डालते थे अपनी चारपाइयों में और उसके ऊपर कोई कपड़ा और फिर जो भी है, इस तरीके से हम, इतनी ठंडी लगती थी तो लगता था अरे ऐसी जिंदगी चलेगी क्या, कुछ बड़ा चेंज तो आएगा नहीं, कि बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं थी, पापा किसानी करते थे हम लोग सब, तो मुझे लगता था हमेशा कि अरे अब पापा की तो हो गई यही गांव घर में रह के, लेकिन क्या इसका मतलब सारे मेरे भाई बहनों परिवार ये भी इसी तरीके से जिएगा और एक दिन हम मर के चले जाएंगे कीड़े मकोड़ों की तरह। सो दोस्तों वो मेरा इनिशियल वाई था कि नहीं, इससे हमें बाहर निकलना है, इस गरीबी से बाहर निकलना है, बहुत बड़ा अभिशाप होता है दोस्तों गरीबी, तो वो मेरी वाई थी। उसके बाद बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, शॉर्ट में बताऊंगा किसी तरीके से, तो गाँव को छोड़ना था वो मेरी वाई थी। वाई मेरा क्या था कि परिवार को थोड़ा सा समृद्ध बनाना था और उसके लिए गाँव को छोड़ना जरूरी था, और करते करते इलाहाबाद निकल गया दोस्तों। एक 18 साल का, 17-18 साल का लड़का इलाहाबाद जाता है, और इलाहाबाद में दोस्तों शर्म आ रही है अपने आप के बताने में, आज तक शायद पब्लिकली कभी कहा नहीं, तो वहाँ पर क्या किया कि अपने को सपोर्ट करने के लिए इलाहाबाद मैंने खाना बनाना शुरू किया किसी का, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारे राम अनुग्रह तिवारी हैं, एक चचुहा गांव है भुंडा के पास में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में थाना करछना में। तो अभी क्या हुआ कि अचानक याद आई मुझे 2-3 हफ्ते पहले, कह रहे वो राम अनुग्रह तिवारी जी जिनका मैं खाना बनाता था, चूँकि उसकी एक्सचेंज में वो अपने हमें घर में रुकने के लिए दिए थे जिसलिए कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ, फिर बाद में ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, तो बहुत बात की बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में तो मैंने क्या किया 3 हफ्ते पहले कि हम कहा चलिए पता करते हैं कि अनुग्रह तिवारी जी कहां पर हैं आजकल। तो मुझे मालूम नहीं, बस खाली इतना मालूम था कि एक भुंडा जगह है उसके पास वो तिवारी जी का नाम मालूम था, उनका गांव चचुहा वो भी नहीं मालूम था, वो तो अभी जब बात हुई तब इसलिए याद है। तो मैंने क्या किया कि इलाहाबाद डीएम को फोन किया, मतलब डीएम का, अभी आप भी जाएं इंटरनेट पे तो जस्ट डालें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद ऑफिस, तो वहां से उनका ऑफिस का नंबर मिल गया, वहां हमने कॉल किया तो कोई उनके सहायक ने या क्लर्क ने उठाया फोन, तो मैंने बोला कि भाई एक क्या कहते हैं भुंडा के गांव के पास में तिवारी जी लोग रहते, कुछ मालूम चल जाए। बोलते भैया ऐसे तो मालूम नहीं चल रहा डीएम ऑफिस से, ये सब चीजें तो मालूम नहीं चलती। हम कहा ऐसा कीजिए कि जो थाना करछना है उनके थानेदार का नंबर दे दीजिए, तो बोलते हाँ ये मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि डीएम ऑफिस से हमें एक यादव जी थे, शायद हाँ शायद यादव जी थे या सिंह या नाम अभी याद नहीं है, तो उन थाने एसएचओ साहब का नंबर दिया, सेल फोन नंबर एसएचओ साहब को मैंने फ़ोन किया, और उन्होंने बड़े आदर के साथ बोलते सर मैं किसी केस में फंसा हूँ इस समय, थोड़ी देर बाद में आप फ़ोन करें। मैंने फ़ोन किया, उसके बाद बोले हाँ बोलिए। हम कहा आप ये बताइए कि भुंडा जो ग्राम सभा या गाँव जो भी उनके प्रधान जी का नंबर मिल सकता है, तो बोले आप आधे घंटे बाद फ़ोन कीजिए। थोड़ा पूछा किसके बारे में, कैसे, उन्हें बताया कि मैं कनाडा से फ़ोन कर रहा हूँ ऐसा ऐसा, अरे बोलते कि सर मैं अभी आपको पता करके आप आधे घंटे बाद आप फ़ोन कर दीजिए, मैं आपको मिस कॉल मारता हूँ। तो मैंने आधे घंटे बाद फ़ोन किया, प्रधान का नंबर मिला, प्रधान जी से तिवारी जी का नंबर मिला, तिवारी जी से बात हुई। तो तिवारी जी को जब मैंने फ़ोन किया तो तिवारी जी को मैंने बोला कि अरे तिवारी जी नमस्कार, बोले हाँ भैया कौन बोल रहे हैं। तो मैंने बोला तिवारी जी अच्छा आपके साथ कोई एक लड़का रहता था राकेश नाम का, बहुत उसके बारे में कुछ पूछना था। बोलते भैया बहुत दिन की बात है, लेकिन हाँ एक राकेश मिश्रा रहता था, वो शायद कहीं रायबरेली था, लेकिन अरे बहुत बढ़िया लड़का था वो, और क्या कहते हैं बहुत अच्छा था पढ़ने, लेकिन गरीब था बेचारा, यू नो ऐसे कुछ बोले। हमको ओ माय गॉड, तो मतलब एनीवे, तो मैं क्या किया उसके बाद, हम जानबूझ के फ़ोन काट दिया, और दोबारा मैंने फ़ोन किया कि इस फ़ोन को मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो दोस्तों कभी सुनाऊंगा ये रिकॉर्डिंग आपको। फिर एक घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग की, मतलब 15 मिनट तक उनसे मैं बातें करता रहा, उनको मालूम नहीं चला कि मैं राकेश मिश्रा हूँ, बाद में बताया, और इतना भाव विभोर हुए वो, अरे बेटा तुमने अभी तक मुझे याद रखा। तो दोस्तों एक दूसरी तरह कहानी चली गई, तो मैं एक बताना चाह रहा था कि वो मेरी वाई थी। लेकिन क्या होता जब वो खाना बनाता था तिवारी जी का, तो एक झुंझलाहट सी होती थी अपने माँ बाप पे, झुंझलाहट ये होती थी अरे कि मेरे माँ बाप जो हैं मेरी पढ़ाई के लिए भी खर्चा नहीं उठा सकते, तो क्या करें मजबूर थे नहीं था, तो बड़ी झुंझलाहट आती थी। और क्या, तो एक दिन क्या हुआ
कि अब तक की उम्र में कभी मैंने सिनेमा में पिक्चर नहीं देखा था, तो वो निरंजन सिनेमा इलाहाबाद में था, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी और दो तीन चार पिक्चर अमिताभ बच्चन की देखी। तो अमिताभ बच्चन जब पिक्चरें देखने लगा तो एक चीज़ वहाँ से निकल के आई, अरे अमिताभ बच्चन बाद में सक्सेस हो जाता है, लेकिन एक कॉमन चीज़ आई कि अमिताभ बच्चन के कभी माँ बाप नहीं थे मूवी में। होते थे तो कहीं उनकी माँ कहीं चक्की में मिलती थी कहीं, कि शुरू से माँ बाप उनके साथ नहीं होते। तो मैंने उसको लिया, अरे इसका मतलब सपोर्ट सिस्टम कभी कभी होना भी आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। तो मैंने क्या किया कि मेरे माँ बाप जिंदा रहते हुए ही मैंने अपने दिमाग को बता दिया कि हमारे माँ बाप नहीं हैं। मैंने अपने आप को सोचा, राकेश अगर अपने माँ बाप को आप गुस्सा कर रहे हो, उन पर झुंझला रहे हो, लेकिन अगर माँ बाप नहीं होते तो क्या करते। फिर मैंने दोस्तों वही किया कि जो माँ बाप नहीं होते तो मैं क्या करता, सारी जिम्मेदारी अपनी ले ली और आगे बढ़ा। बहुत लंबी कहानियाँ हैं दोस्तों, कभी फुर्सत में उन चीज़ों को बताऊँगा। तो ये उसकी वजह से आगे बढ़ता गया और आता गया और करते करते आज हर मिडल ईस्ट, US, कनाडा होते हुए यहाँ पर आ गया। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा बड़ा व्हाई क्या है कि आई डिसाइडेड टू बिकम बिलियनेयर, अरबपति बनने का सपना देख लिया। लेकिन दोस्तों पैसे पे नहीं, अरबपति लोगों में, कि मरने से पहले कोशिश करूंगा कि 1 अरब लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, 1 अरब लोगों तक मैं पहुंच सकूं, कहीं से कहीं अपनी आवाज़ से, अपनी स्पीच से, अपने मैसेज से पहुंच सकूं। अब ये मेरा वाई है। तो दोस्तों यही होता है कि आपका वाई क्या है। जितना बड़ा आपका वाई होगा उतना ही ज़िंदगी को जीने में आपको बहुत ही बड़ा आनंद आएगा। कोशिश ये करें कि अपने वाई में देखता हूँ मैं कनाडा में हूँ, अमेरिका जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, मिडल ईस्ट में रहा हूँ, बड़े बड़े लोग होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, लोग माइग्रेट होके आते हैं और सोचते हैं कि 2 महीने या 6 महीने बाद ही सबसे बड़ा घर हो जाए, सबसे बड़ी कार हो जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे बड़ा घर भी हो जाता है, चलिए 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में, और सबसे बड़ी कार भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर खोखलापन। दोस्तों सुनते होंगे कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े हॉलीवुड में, कितने बड़े बड़े बॉलीवुड में लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस के लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका वाई क्लियर ही नहीं था। पैसे भी बन गए, अब क्या। जैसा दोस्तों होता क्या है ना कि जो सक्सेस का डिप्रेशन होता है बहुत खतरनाक होता है। सो डिप्रेशन ऑफ सक्सेस इज वर्स देन डिप्रेशन ऑफ पॉवर्टी एंड फेलियर। क्यों, क्या होता है दोस्तों कि जब घर में गरीबी होती है या आप में गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है, या कहीं आप फेल होते हो, कोई फेलियर होता है, तो दोस्तों पॉवर्टी और फेलियर में अच्छी बात क्या होती है कि एक आशा की किरण होती है, एक होप होती है कि कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन सक्सेस में क्या होता है, आपको लगता है कि अब क्या, दैट्स व्हाट आई वांटेड एंड आई गॉट इट, व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। आपने टोनी रॉबिन्स का नाम सुना होगा, बहुत बार टोनी रॉबिन्स अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप में एग्जांपल देते हैं कि वो उनके पास छोड़िए मिलियनर बिलियनर क्लाइंट हैं, और वो एग्जांपल भी देते हैं, कोई एक बिलियनर था और वो एकदम डिप्रेस था, तो इनको हायर किया कि उनको थोड़ा ठीक करने के लिए। तो उनसे पूछा, हाँ क्या बात है, तो उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि सब पैसा रुपया इतना कमाने में ना तो बच्चों का प्यार मिला, ना तो फैमिली का प्यार मिला, और वो सब प्यार तो था लेकिन वो सारे रिलेशनशिप बिल्कुल मैकेनिकल थी, केवल पैसे की थी, कि हाँ उनको पैसे से बड़े बड़े घर दे दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी, प्लेन दे दिया, अब क्या। तो उसकी बात क्या होती, कोई आशा ही नहीं रहती आगे। तो टोनी रॉबिन्स ने बोला कि औरों, अब ठीक है अपने बच्चों के लिए किया, वाइफ के लिए किया, औरों के लिए क्या किया। अरे कहने के मतलब फिलान्थ्रोफी, तो फिलान्थ्रोफी में लेकर के फिर वो आए और बहुत कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों सुना होगा आपने बिल गेट, एक समय का दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, वॉरेन बफे रिचेस्ट आदमी, वॉरेन बफे ने 99% अपनी वेल्थ को बिल एंड मिलिंडा गेट के जो भी चैरिटी है उसके थ्रू डोनेट करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या है कि उनका मकसद है किसी औरों के लिए जीना। या तो दोस्तों ये है कि अपनी वाई में, जब तक आप दूसरों के लिए जीना शुरू नहीं करते दोस्तों, आपको लाइफ को जीने का बहुत बड़ा मकसद मिल ही नहीं सकता, बहुत बड़ा वाई मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, लेकिन इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। अब देखिए इतना बड़ा वाई है, अब आपसे आज बात कर रहा हूँ रेडियो में, क्यों,
दस लोग भी सुन रहे होंगे, बीस लोग भी सुन रहे होंगे, तो हमारे चलिए बीस लोग और बढ़ गए मेरे उस टारगेट में बिलियनर बनने में, तो आपका सहयोग चाहूँगा और अपनी कहानियाँ शेयर करता हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए अपनी वाई को पता करें, उससे फिर बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी वाई क्या है। अगर केवल घर और कपड़ा और मकान और कार यही सब चीज़ें आपकी वाई है, तो इसमें बहुत बड़ा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये मिल गया उसके बाद क्या। तो मकसद इतना, वाई इतना बड़ा रखो। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। जब हम कॉलेज के दिनों में होते हैं, जब अपने टीनेजर एज में होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी लड़की पे दिल आ जाता है या किसी लड़की का लड़के पे दिल आ जाता है, तो किस तरह की वो रेस्टलेसनेस होती है दोस्तों। चलिए मेरे साथ ऐसा वैसे नहीं हुआ, लेकिन जिनके भी साथ हुआ होगा, किस तरीके की रेस्टलेस रहती है कि नहीं इस लड़की से मुझे शादी करनी ही करनी है, दोस्ती बनानी ही बनानी है, रात को रात दिन को दिन नहीं मालूम चलता दोस्तों। उस तरीके का जुनून, वो तुम्हारी वाई होती है उस समय, और उसके बाद वो आपको मिल भी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज। तो इस तरीके का जुनून, इस तरीके का लगन, इस तरीके की वाई अगर आपके किसी भी चीज़ में मिल जाए, तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोग आते हैं अपने जॉब को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपकी वाई बड़ी छोटी सी होती है कि चलो $50,000 की जॉब मिल जाए, $100,000 की जॉब मिल जाए, उसके बाद क्या। दोस्तों आपको मालूम होगा कि April 1, 2017 से मैंने नौकरी छोड़ दी, ना कोई कंसल्टिंग ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे बीच में, अरे ऐसा कैसे, तो ये बिना, हाँ तो क्या हुआ, ठीक है पैसा फिर पकड़ लेंगे, या यू नो शुरू कर दिया जॉब, वो तो अलग की बात है, लेकिन कम से कम वो मेरा दिल था कि मैं चाह रहा था कि कम से कम एक साल या इतना अपने ऊपर लगाऊं, देखूं कि क्या कर सकता हूं। पूरा बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे ट्रेवल करनी थी मेरे को, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी थी, ये पता करना था कि और क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, अपने पास उम्र है, अभी ट्रेवल कर सकते हैं। वो कोई 2000 साल की बात नहीं, अगर हम जिंदा रहे तो एक मुश्किल से 25-30-40 साल की बात है। हो सकता आप चल ना पाएं, हो सकता आप मूव ना कर पाएं, और उसके बाद सारे सपने आपके फिर वही धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये मेरा वाई था, आप थोड़ा सा एक्सप्रेस किया, और लोगों की, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो वाई उनका इतना स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से वो लोग लगे रहते हैं। तो दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा, फिर से गुजारिश करूँगा आपसे कि बैठें, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपनी लाइफ में कि आपका मकसद क्या है, मेरा मतलब आपकी वाई क्या है। कोई चीज़ आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, खाली इलेक्शन, अगर केवल आप औरों को दिखाने के लिए जी रहे हो या कर रहे हो तो बहुत खोखलापन लगेगा। सिद्धू साहब की एक और बात हमेशा वो बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, पहले भी मैंने बोला हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो क्या होता है कि कोई चीज़ें, कोई रिस्क, कोई हम स्टेप इसलिए लेते, अरे लोग क्या कहेंगे अगर इसमें हम फेल हो गए, या ज़्यादातर चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि अरे लोगों को खुश करने के लिए, लोग बोलेंगे अरे इसके पास ऐसा घर है, इसका बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, इसके इसने ये किया, इसने किया कि, तो हम बेसिकली हमारी अपनी वाई होती ही नहीं है, हम लोगों की वाई को जीना शुरू कर देते हैं। तो उसमें दोस्तों लाइफ का कोई मायने, कोई मकसद नहीं रहता, लाइफ बहुत खोखली हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों एक बार फिर से कुछ नए लोगों को ज्वाइन किए हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, और वो हैं हमारे कहाँ से, ठीक है रजनी अर्रा के बाद हमारे ललित गुप्ता जी, होपफुली यू आर बैक फ्रॉम योर वेकेशन, बहुत सारी अच्छी फोटो थी, मज़ा आया देख के। अखिलेश मिश्रा जी हमारे चित्रकूट से हैं, थैंक यू वेरी मच अखिलेश जी। रॉब मिलर, आई एम रियली सॉरी मैन, यू मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस प्रोग्राम इज़ फॉर हिंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, बट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड गुलाम नादराशी, थैंक यू वेरी मच अमूल्या, थैंक यू वेरी मच अमूल्या भाई। एंड संदीप कुमार त्यागी जी, थैंक यू वेरी मच, वी आर प्राउड ऑफ यू संदीप जी, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर हेल्पिंग टू फाइंड व्हाई फॉर सो मेनी, सो थैंक यू वेरी मच। राकेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, लव मेलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बट होपफुली यू आर एबल टू गेट सम जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग बिकॉज मिक्स्ड हिंदी एंड इंग्लिश। रजनीश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड जैम मोहम्मद इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच। जैम साहब आप कहाँ से हैं ज़रा लिखें, आप हर बार होते हैं, और बी एन द्विवेदी साहब आप भी होते हैं, तो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन लिटिल फास्ट रैप अप दोस्तों, आज का टॉपिक था व्हाट इज़ योर व्हाई।
क्योंकि अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है तो ज़िंदगी को जीने का बहुत मज़ा नहीं आएगा। अगर खाली वाई यही है कि वो खाली मैटरियलिस्टिक चीज़ों तक ही सीमित है और पैसे रुपए से रिलेटेड है तो बहुत खोखलापन लगेगा एक समय के बाद। होता क्या है लोगों, दोस्तों, हम यंग होते हैं, 30, 40, 50, 60 के होते हैं, 70 के होते हैं, फिर क्या होते हैं, एक उम्र के बाद चले आप अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान या साउथ एशिया उन मुल्कों में रहते हैं तो फिर भी फैमिली और सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा, स्पेशली गाँव में, कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया या यूरोपियन कल्चर में या फॉर दैट मैटर इवन इंडिया में जो बड़ी सिटीज़ हैं, बॉम्बे, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता जैसे जगहों पे लोगों के पास वक्त नहीं होता एक दूसरे से बात करने का, एक उम्र के बाद आप खुद ही वॉक कीजिए और खुद ही एक लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर सही उम्र में, सही वक्त में आपको अपना वाई क्लियर हो गया तो बहुत मज़ा आता है। एक हमारे जानने वाले दोस्त हैं सुल्तानपुर के, मनोज तिवारी जी, तो उनसे बात हो रही थी तो बोलते रहे, राकेश जी हम सुल्तानपुर में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो बात किए तो पूछे मेरे से, तो उनका है, जाइएगा मनोज तिवारी करके हैं, और उनका कुछ है ऐसा कि सोसाइटी ऑफ पावर्टी को लेके, सोसाइटी ऑफ पावर्टी को एलिवेशन ऑफ पावर्टी की, मतलब गरीबी को दूर करने का उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है। तो मेरा विचार जाने की, राकेश जी आप बताइए, और अच्छा लगा हमका, ठीक है, तो मेरे दिमाग में तुरंत मैंने लिख दिया 1111 मीन्स टेक वन मेम्बर एंड वन विलेज वन प्रॉब्लम एंड वन ईयर, कि एक साल में किसी एक गांव पे एक मेंबर काम करे एक पर्टिकुलर इशू पे, वो हेल्थ का हो सकता है, वो एजुकेशन का हो सकता है, वो कोई सैनिटरी चीज़ों को लेके हो सकता है, पानी को लेके हो सकता है। अभी देखिए दो इतनी अच्छी मूवी बनी, बड़ी अच्छी लगी, एक टॉयलेट और एक दूसरा पैडमैन, तो यू नो एक सोशल अवेयरनेस के लिए। तो दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फाइंड योर वाई, बहुत मज़ा आएगा आज के दिनों में। तो यू नो ऐसी ऐसी साइट्स हैं और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ भी करना चाहें और तुरंत अगर उसमें सही आपका वाई है तो इट्स नॉट ओनली यू, होल वर्ल्ड वांट टू हेल्प यू। सो दोस्तों बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम देख रहा था और इस प्रोग्राम में, इसमें टेलीविज़न में, और वो प्रोग्राम था राइजिंग इंडिया, तो उसमें देखा वो 60 साल की जो लेडी हैं, तो उन्होंने गाना गाया और उन्होंने अपना बताया किस तरीके से टॉर्चर की गई थी अपने फैमिली में, और गाना का शौक था, अपना लगी हैं अपना यू नो। तो कहने का मतलब, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक जब आपको वाई आपका स्ट्रांग हो जाता है तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं आपको डेविएट कर देती हैं अपने उस वाई से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई आज की चर्चा, आज की बातचीत, लेकिन कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ भी इसमें सजेशन देना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, और इस वादे के साथ कि अगले सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होती है 9 बजे इंडियन टाइम पे। थोड़ा टाइम हो जाता है कभी कोई 10-15 मिनट, लेकिन कोशिश करूंगा कि टाइम के साथ ही दोस्तों आऊं। और एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होती है अगले सोमवार को। और हो सके तो इसको ज़रा सा भी कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिएगा, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर करना चाहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और आपसे मुलाकात होती है अगले सोमवार को 9 बजे। आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश मिश्रा अब आपसे इजाज़त लेता है, और फिर अगले सोमवार को मुलाकात होती है। धन्यवाद, थैंक यू।